जी, बहुत बड़ा डील है मेरे लिए। मैं हमेशा हर साल इसको यूट्यूब पर देखती थी और मैं उनके सारे इंटरव्यूज़ देखती हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी, और या मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। आई थिंक जब उन्होंने हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा, क्योंकि हमेशा फिल्म रिलेटेड होता है, राइट, मेरे लिए अच्छा नहीं है, पर हमेशा वो एक स्पेसिफिक फिल्म के बारे में बात करते हैं, पर ये हमारे जर्नीज़ के बारे में था और हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में था, तो मुझे वो अच्छा लगा। नहीं, क्योंकि सिर्फ मेरे डैड इंडस्ट्री से हैं और वो एडवाइस देना उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं अपना खुद का जर्नी, अपनी खुद की मिस्टेक्स करूं, अपनी खुद की जर्नी करूं, तो मेरे डैड इतना एडवाइस नहीं देते और मेरी मॉम फिल्म इंडस्ट्री से है ही नहीं, तो इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया। जी, हाँ, आई थिंक आई अग्रीड विद एवरी वन। आई थिंक फर्स्टली इक्वालिटी फॉर वुमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने कहा कि ज़्यादातर इंडियन स्टोरीज़, क्योंकि वो वर्क करती हैं, क्योंकि हमारी कहानियाँ इतनी सारी हैं, तो वो ज़्यादा बतानी चाहिए। एंड आई ऑल्सो फील कि मेन स्ट्रीम फिल्म्स में सब एज के लोगों के लिए ज़्यादा रोल्स होने चाहिए। जैसे बधाई हो में, जैसे नीना जी का रोल था, वो सेंट्रल कैरेक्टर थी, तो आई फील लाइक ऑल एज ग्रुप शुड हैव सेंट्रल रोल्स इन फिल्म्स। जी, आई वुडेंट से मैं किसी को फॉलो कर रही हूँ, पर आई रियली लुक अप टू आलिया, बिकॉज जो चॉइसेस उन्होंने किए हैं, वो कमर्शियल फिल्म्स करती है, पर वो ऑल्सो अलग काइंड ऑफ सिनेमा भी करती हैं, तो मुझे आलिया की फिल्में बहुत पसंद है, और ऑब्वियसली करीना, क्योंकि वो सबकी फेवरेट है। जी, पति पत्नी, और वो दिसंबर में आ रही हैं, तो प्लीज़ जाकर देखिए, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत फ़नी है, और बहुत इंटरेस्टिंग आई थिंक पेयरिंग भी है, और फिर खाली पीली जून में आ रही है, तो और वो बहुत ही अलग है, तो प्लीज़ गो एंड वॉच पति पत्नी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। काफ़ी कूल फील कर रही हूँ मैं, इतने ऑफिशियल पैनल पे इतने ऑफिशियल लोगों के साथ मैंने एक डिस्कशन किया, बहुत मज़ा आया एक्चुअली, इन लोगों से इतना कुछ सीखने को मिला है, इनके एक्सपीरियंसेस के बारे में सुन के, और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यू नो एवरी वन इज़ वर्किंग सो हार्ड, और उनके एम्बिशन को देख के मैं मोटिवेट हो रही हूँ, तो इट्स अ वेरी गुड एनर्जी, आई एम वेरी हैप्पी विद टुडेज़ एक्सपीरियंस।